अपने चैनल में पूरी हम दिल से। मैं हूँ आपकी होस्ट प्रियंका से। तो हम ने ठेर से एक ही सोच रखी है अभी तक सामने के साथ में। हमारे पास टीम हर टाइम टीम रखती है जय भवानी, जो कहीं ना कहीं हम टीम वर्क पूरा उसको लड़ पाते हैं। तो इतना कोई बड़ा सामना नहीं करना पड़ा है, पर दिक्कतें तो काफ़ी आई है, पर सामना कर दो और टीम वर्क के साथ आगे हम निकल गए। जो दिक्कतें इतनी आई है तो कितने टाइम तक आपको दिक्कत आई? 1 ईयर 2 ईयर? कुछ भी, हर पीरियड में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। दिक्कत का कोई ऐसा नहीं होता कोई बिजनेसमैन के लिए कि दिक्कत कब आएगी। हर घंटा हर मिनट दिक्कत का ही होता है, पर उसको सोल्व करने के बाद हम पॉजिटिव में आगे बढ़ते जाते हैं। और ऐसा हम सोचते हैं कि दिक्कत आएगा, आज दिक्कत खत्म कर देंगे तो कल नहीं मिलेगी, पर ये हमारे बिजनेस लाइन में आज मैं 22 साल से देख रहा हूँ, कभी नहीं दिक्कत खत्म होती है, नहीं कभी बिजनेस रुकता है। तो रेगुलर दिक्कत चलती रहती है और सामना करके सोल हो जाता है। तो कोरोना में भी आप हम बहुत अच्छी खुशी से हमारी टीम को मोटिवेट दिया, सबको समझाया। जो बाहर के जो दूर दूर के लोग थे जिनका गाइडलाइन मिस था, उस टाइम भी हमको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लाइसेंस पास कार्ड मिले, उनके लिए खाना पहुंचाना, ये पहुंचाना, उनके रहने की व्यवस्था करनी, हंसी मजाक करना। क्यों, मेरा जो जय भवानी मैं चलाया इतने सालों में और इतना बड़ा चेंज किया है, तो कहीं ना कहीं मेरा नेचर ऐसा था जो मैं नीचे ज़मीन से जुड़ा हुआ कारीगरों से खाना उठना बैठना सोना, उनकी समस्या जो मैंने समस्या दिखी है उनको जानते हुए उनके साथ रहकर, तो उस तरीके का उनने मुझे सपोर्ट किया। बाहर के लोग जो जा रहे थे तो कोई दूसरे आ गए, दूसरे जाने लगे। इस तरीके से हमने सामना कर आज जय भवानी इस 30 जून के आजू बाजू हमने यहाँ 50-60% ऊपर जय भवानी हम खोल चुके हैं वापस। अपने लॉकडाउन में क्या क्या वेरिएंट्स यूज कर रहे हैं? लॉकडाउन में एक सबसे अच्छा काम किया हम, पहले जैसे जय भवानी के लिए काम कर रहे थे, हमने गाइडलाइन के हिसाब से हमने डिलीवरी भी वड़ा पू का पहुँचाया, जहाँ पर जहाँ खाना नहीं बनता उन लोगों का डिलीवरी भी पहुँचाना काम चालू रखा। पर लॉकडाउन में हमको हमारी टीम को एक नया
काम मिला और मोटिवेट मिला, हमको बहुत आनंद आया कि लॉकडाउन में हम लोग एक साल पहले दो साल पहले हमारा खुद का एक प्रोडक्शन बनाते थे कि जय भवानी की बेल का नमकीन बनाते थे, सेव पूरी की पूरी बनाते थे, नाइलॉन सेव बनाते थे, पानी पूरी के लिए ममरी बनाते थे, तो ऐसा हमारा एक प्रोडक्शन एरिया था। तो लॉकडाउन के रिलेटेड हमको एक आइडिया आया था, तो हमको कुछ ऑर्डर आते थे तो हमारे कारीगर हम टीम लेकर हमने एक नमकीन की शुरुआत की थी, तो कुछ रतलामी सेव बनाई, चवाना बनाया, ऐसे बनाया, तो ऐसे बनाने बताए लॉकडाउन में हमने प्लान किया कि आज की तारीख में ये आपको देखोगे जय भवानी का, तो ऐसे हमने ये बेक बनाई, बेक में बनाकर अच्छा सा हम खुद का प्रोडक्शन हमारी फैक्ट्री में हमने नमकीन का प्रोडक्शन शुरू किया, पैकिंग किया, पैकिंग करके जो पूरे दुकानें बंद रहती थी, कोई वेजिटेबल वाले है जहाँ किराने की दुकान है वहाँ पर हम नमकीन देकर घर तक नमकीन पहुँचाया, फिर ऐसे होम डिलीवरी वाले को वो लोगों को दे देते, वो ले जाते, तो ऐसे करते करते हमने अच्छा प्रोडक्ट बनाया। आज इसको हमने रथ यात्रा की लॉन्चिंग भी प्लान किया, ये 22 तारीख को इसको लॉन्चिंग नाम दिया, डिज़ाइन बनाया काफ़ी, अभी अभी हमने इसका एक बड़ा सपना देखा है कि हम कुछ मशीनें लिखा दिए जो पाउच आते हैं अपने 200 ग्राम 400 ग्राम 10 रुपीज़ 5 रुपीज़, तो हम लोग ये चाहते हैं हमारे ग्राहकों को ये वीडियो जो देखे कम 98 में जैसे वड़ा पाव को एक 4 रुपये की प्राइस में लेकर आए थे और आज 45 का वड़ा पाव बेच रहे हैं, तो नमकीन भी अच्छा नमकीन बनाकर हम लोग कहीं कहीं ग्राहक को ध्यान रखते हैं, वो 4 रुपये का वड़ा पाव बेचा ऐसे इसकी कम प्राइस रख कर हम लोग प्रोडक्ट बनाकर आगे जाकर इसको भी हम बाज़ार में लेकर आ रहे हैं। तो अभी की तारीख में जितने हमारे कंपनी के सारे आउटलेट है गुजरात में वहाँ पर सारी जगह हमने ये नमकीन अवेलेबल कर दिया है कि जब भी ग्राहक आता है हमारा पार्सल ले जाता है तो उसको कोई ज़रूरत है एक पड़ी का दो पड़ी का जाकर इसका भी एक हम चेन बनाकर ये भी मार्केट में हम आ रहे हैं नमकीन लेकर। थैंक यू। जानते कस्टमर का रिव्यू, आइए चलते हैं। हेलो सर, आपका नाम? महर्षि ठक्कर। और आप कहाँ से आए हो? अहमदाबाद से ही हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे क्या फेमस है, आप जब भी आते हो क्या? वड़ा पाव। वड़ा पाव, यस। फ्रेंड्स चलते दूसरे कस्टमर का रिव्यू लेते हैं। हेलो मैम, आपका नाम? भाविका। आज आप कितने टाइम से आ रहे हो? कितने साल से? 2-3 साल से आ रहे हैं। आप कहाँ रहते हो? वैजलपुर। ओके, आप यहाँ पे जब भी आते हो क्या खाते हो? टेस्ट आपको कितना अच्छा लगता है? सैंडविच, वड़ा पाव। ओके, ये सब अच्छा। तो पूछते हम इनकी से भी। सर आपका नाम? भावेश वाघेला। तो आप यहाँ पे कितने टाइम से आ रहे हो? तो 5 साल से आ रहा हूँ। आपको क्या लाइक यहाँ पे पसंद है खाना ज़्यादा? सैंडविच है, बर्गर है, मैगी है, वड़ा पाव। तो आप लाइक ज़्यादा स्पेशलिटी यहाँ पे क्या है? सैंडविच। सैंडविच है, ओके, थैंक यू सो मच सर। હું અમિત રામાનુજ 2008થી જય ભવાની સાથે જોડાયેલો છું। કિશનભાઈ સાથે જોડાઈને 2008થી જય ભવાની વડાપાવના બિઝનેસમાં એડ થયો। પહેલાં મારો એક બીજો અલગ બિઝનેસ હતો પણ કિશનભાઈ જોડે મળવાથી ઘણું બધું પ્રોત્સાહન મળ્યું, ઘણો બધો સાથ સહકાર મળ્યો અને જય ભવાની ચેન સાથે જોડાયો। અત્યારે અમારા આઉટલેટને કમસે કમ 12 વર્ષ થઈ ગયા છે। 12 વર્ષથી અમે એકદમ સારી રીતે આગળ ધંધો વધારતા રહીએ છીએ। બીજું કે હાલમાં જે આ કોરોનાની મહામારી જે વૈશ્વિક મહામારી છે એમાં અમે ઘણો બધો સામનો કરીને અત્યારે પાછા ધીરે ધીરે ઊભા થઈ રહ્યા છીએ અને ગુજરાતની જનતાને એવું કહેવું છે મારું કે આ તકલીફ તો બધાને આવી છે તો ધીરે ધીરે બધા એકબીજાને સપોર્ટ કરી અને આગળ આવી જઈશું બધા, એમાં કંઈ ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી, એકદમ એકબીજાને સપોર્ટ કરી ધીરે ધીરે આગળ આવીશું। અત્યારે અમે પણ આઉટલેટ ચાલુ કર્યા, બધા માલ ઘણા બગડ્યા, વસ્તુ બગડી પણ એને પણ વ્યવસ્થિત રીતે આગળ ધીરે ધીરે બધું સામનો કરતાં ધીરે ધીરે અમારે બધા આઉટલેટ ચાલુ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ અને એકદમ સાફ સફાઈથી એકદમ સેનિટાઇઝર વસ્તુ કરી બધું કારીગરોને એકદમ ટ્રેનિંગ આપીને COVID-19ની બધી ટોટલ ટ્રેનિંગો આપી છે અને કઈ રીતે આઉટલેટ ચાલુ કરવું, કેવી રીતે કસ્ટમર જોડે વ્યવહાર કરવો, શું કરવું એ બધું અમે અત્યારે ટ્રેનિંગ ચાલુ છે અને અમે એવું વિચારીએ છીએ કે કસ્ટમર જોડે સારામાં સારું ફૂડ જાય અને કસ્ટમરને પણ કોઈ તકલીફ નહીં પડે, કોઈને કોઈ તકલીફ નહીં પડે અને સારામાં સારી વસ્તુ કસ્ટમર સુધી પહોંચે એવો અમારો પ્રયત્ન છે, બરાબર। એના સિવાય કે હાલમાં જે તકલીફો ચાલી રહી છે એમાં જો એકબીજા થોડું સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, થોડું સાફ સફાઈ, થોડું જો એના જે કોવિડના નિયમો એ પ્રમાણે ચાલતા રહેશે તો લગભગ કોઈને વાંધો નહીં આવે અને એકબીજાના સપોર્ટથી બધા આગળ આવી જઈશું। તો આઈએ, ચલો ફ્રેન્ડ એનકા ભેળ ટ્રાય કરી દેતે। लाजवाब है इनकी बेल, सुपर अमेजिंग है,
ना ज़्यादा तीखी ना ज़्यादा मीठी, बहुत मस्त है। आइटम है जो चीज़ ग्रिल सैंडविच है, लाजवाब। ओए होए, इनकी चटनी बहुत ही यम है, आप देख सकते हो। ये है इनका बड़ा पाव, फुल ऑन बटरी और लहसुन की चटनी, वाह लाजवाब है। छोटा मैसेज बिजनेस वालों को भी थोड़ा दे दूँ। मैं और कोई बिजनेस के बारे में तो नहीं जानता हूँ, पर मेरा फूड लाइन, फूड और जो फास्ट फूड है, होटल रेस्टोरेंट, हम लोगों को जो सामना करना पड़ा है वो दिक्कत ऐसी आई है कि आज सरकार ने गाइडलाइन के हिसाब से उस टाइम में ऐसा बोला कि होम डिलीवरी करें, तो कोई फूड लाइन वाले ज़्यादातर होम डिलीवरी नहीं कर सके, क्यों 22 तारीख को जो लॉकडाउन बोला गया था तो सारे स्टाफ चलकर बस में जितने सारे चले गए, कोई लोग रुके, यहाँ से नेपाली है, बिहार के दूर का स्टाफ रुके, नज़दीक के सारे चले गए। पर 15 मई जब सरकार गवर्नमेंट के हिसाब से जब शुरू किया है तो आज सामना इतना करना पड़ा है। जब उस टाइम बोले गए थे 4 महीने के लाइट बिल, उस टाइम तो ऐसा गाइडलाइन हुआ था कि बिल माफ़, अभी बिल नहीं भरना है, हाँ। तो हम लोग समझे कि लाइट बिल नहीं भरना पड़ेगा, हाँ। तो आज मार्च पहले हमारे पास फाइनेंस का बहुत शॉर्टेज चल रहा था, क्योंकि बैंकिंग मार्च में घट गया था, हाँ। और चेक जो दिए हुए तो फाइनेंस जा रहा था, तो आज पहला सामना जैसे दुकान खोलते ही हमको कम से कम 1 जून को हमारे सारे दुकान खोलते ही हमारे को लाइट बिल आए थे 4 महीने के, जो फरवरी 15 से लगाकर मार्च का अप्रैल में भरना पड़ता है, अप्रैल का मई का रीडिंग मापे हुए हमारे को लाइट बिल दिए गए थे कि आप इतना लाइट बिल भर दो बाकी आपका कट जाएगा और फाइन लगेगा। तो बड़ा सामना मैं बोलूँगा जो हमारे बिजनेस चेन रेस्टोरेंट वालों को आया होगा, जो 4-4 महीने के पहले तो हमने लाइट बिल भरे, लाइट बिल भरने के बाद में जो मेरी बात है कि हमारी दुकानें जो बंद रही 1 महीना 1.5 महीना, उसमें फूड लाइन का कोई फूड काम लगता नहीं है, वो पूरा रॉ मटेरियल एक्सपायर हो जाता है। बड़ी रेस्टोरेंट होती है 2 लाख का मटेरियल होता है, छोटी होती है तो 1 लाख का होता है, छोटे फास्ट फूड चेन वाले होते हैं तो 50,000 का, तो कहीं कहीं वो लोगों को सब माल फेंक देना पड़ा है, दुकानें वापस साफ सफाई कर। और अभी की तारीख में लॉकडाउन खुलने के बाद वापस जो बिजनेस शुरू हुए, नहीं कोई क्रेडिट पे माल दे रहा है, नहीं क्रेडिट में बेच रहा है, आज कैश खरीदना और कैश कमा कर खरीद कर लाना तो कहीं ना कहीं हर व्यापारी के लिए बहुत मुश्किल है। पर हम जितने हम गुजरात में, मैं 22 साल से बिजनेस करता हूँ, पर कोई भी मुश्किल आई है, कभी भूकंप आया है, कभी बारिश आई है, कुछ भी आया है, पर हम लोग निकल कर उसको पार कर ही जाते हैं। तो ये भी सामना है, आज हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब बताते ही रहते हैं कि भुज में ये हुआ था, ऐसा हुआ था, तो भूकंप हमने देखा हुआ, हमारी एज भले 38 है पर भूकंप की स्थिति हमने यहाँ गुजरात में देखी हुई है, तो कहीं कहीं उबर आते हैं। और आज की तारीख में गुजरात की पब्लिक ऐसी है जो कोरोना की ऐसी हो रही है तो फूड को एक्सपेक्ट कर रही है, बाहर बिजनेस के लिए निकल चुके हैं, सब लगे अपनी अपनी व्यवस्था में, तो हो सकता है हमारा 1-2 महीना और सामना करना पड़ेगा, और जैसे चेन चल रही है ऐसे ही रेडी हो जाएगा। जो लॉकडाउन में भी इतने अच्छे स्नैक्स वैरायटीज निकाले, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के थ्रू इन्होंने सारे इतने सारे सामान के साथ इन्होंने निकाले वेरिएंट, तो सर आपको सल्यूट है। और इफ यू आर इन अहमदाबाद तो प्लीज़ वंस ट्राई दिस वड़ा पाव, एक बार इनका वड़ा पाव प्लीज़ आप ट्राई करिएगा। थैंक जय भवानी वड़ा पाव ना चाहक मित्रों, आ वीडियो जोया पछी लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें, धन्यवाद।